हेलो स्टूडेंट्स नमस्ते राम राम एंड जय हिंद एवरीवन वेलकम बैक टू सिरीन पाठशाला हमारे इस प्यारे से चैनल के इस छोटे से प्यारे से सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम फिर से टॉप टेन एरर्स देखने वाले हैं टॉप टेन एरर्स मतलब टॉप टेन आपके कॉन्सेप्ट्स और ये कॉन्सेप्ट्स आपके एग्जामिनेशन के लिए एक्सट्रीमली बेनिफिशियल है आइए चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने द मैनेजर पुट फॉरवर्ड नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट द मैनेजर पुट फॉरवर्ड नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट वेरी गुड सो दर इज क्राइटेरियर है क्योंकि ओ एन एंडिंग जो भी वर्ड होते हैं ओ एन एंडिंग जो वर्ड होते हैं उनका प्लूरल हम ओ एन को हटा के ए लगा के करते हैं यानी कि अगर आपका वर्ड है क्राइटेरियन तो इसका प्लूरल अगर आपका वर्ड है क्राइटेरियन तो इसका प्लूरल हम लिखेंगे क्राइटेरिया हम इसका प्लूरल लिखेंगे क्राइटेरिया अगर आपका आप लोगों के लिए क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर जरूर बताइएगा फिनोमिनम का प्लूरल क्या होगा फिनोमिनन का प्लूरल क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा सो द एरर इज इन द बी पार्ट चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड मेकिंग मिस्चिफ्स एज़ देयर हॉलीडे हॉलीडेज हैव स्टार्टेड हॉलीडेज क्या खैर कोरोना के टाइम में तो छुट्टियां ही छुट्टियां चल रही है सो चिल्ड्रेन आर प्लेइंग एंड मेकिंग एज हैव स्टार्टेड मेकिंगेड वेरी गुड सो द एरर इज इन द बी पार्ट क्यों क्योंकि यानी मस्ती और मस्ती को गिना थोड़ी जा सकता है कि वो एक मस्ती कर रहा है दो मस्ती कर रहा है मस्ती तो अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल का हम प्लूरल नहीं बनाते हैं अगर मान लीजिए किसी अनकाउंटेबल का आपने प्लूरल बनाया भी जैसे एयर वॉटर सैंड सो ऐसे अनकाउंटेबल नाउंस का अगर आप प्लूरल बनाते हैं तो इसका मीनिंग चेंज हो जाता है एयर का मतलब है हवा लेकिन एयर का मतलब है शो ऑफ दिखावा वॉटर का मतलब है पानी लेकिन वॉटर्स का मतलब होता है सीज ओशंस सैंड का मतलब होता है रेत लेकिन सैंड का मतलब हो जाता है रेगिस्तान सो so अगर आप अनकाउंटेबल नाउन कुछ सारे नहीं कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स को प्लूरल बनाते भी हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है खैर यह एक ऐसा अनकाउंटेबल नाउन है जिसका प्लूरल बनेगा ही नहीं मीनिंग चेंज होना दूर की बात है मतलब जो पहले दो लोग आएंगे, वो होंगे एक सरप्राइज गिफ्ट के तो चलिए बताइए आपका एरर किस पार्ट में है टू फर्स्ट टू वर द लकी ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट ल्यूटली बहुत अच्छे द एरर इज इन पार्ट टू फर्स्ट ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड बोल के हम ऑर्डर बताते हैं तो इनको हम कहते हैं ordinal adjectives. उनको हम हम कहते कहते हैं हैं, हैं और one, two, three, four, कि आप संख्या बताते हैं, इसे कार्डिनल एडजेक्टिव इन्हें हम कहते हैं कार्डिनल एड्जेक्टिव ध्यान रहे ओ सी ऑर्डर हमेशा रहेगा पहले ऑर्डर बताइएगा और फिर उसके बाद में नंबर यानी कि द फर्स्ट टू टू अराइव फर्स्ट टू टू अराइव

एडजेक्टिव था मूल रूप से यह एडजेक्टिव था यह विशेषता बताने के लिए प्रयोग होता है शब्द लेकिन अगर उसके सामने आपने आर्टिकल द लगा दिया तो ये बन जाता है प्लूरल नाउन ये बन जाता है प्लूरल नाउन और आपको एडजेक्टिव को प्लुरल बनाने की आवश्यकता नहीं है यानी कि अगर आपने द पुअर कहा इसका मतलब हो गया सभी गरीब लोग द पुअर का मतलब हो गया सभी गरीब लोग द रिच का मतलब होता है सभी अमीर लोग इसको प्लूरल बनाने के लिए हमें एस ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही प्लूरल है सो द एरर इज इन द सी पार्ट द एरर इज इन द सी पार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन हैज रिजन दिस ईयर बाई एज मेनी एज फिफ्टी परसेंट The the number number of of applications has risen this year by as many as many Very good. Remember, हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है number of के बाद हम यूज करते हैं प्लूरल वर्ब मान लीजिए अगर यहाँ पे a number of applications होता तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता have. नंबर ऑफ के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करते हैं द नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं अब यहाँ पे तो एरर है नहीं एरर है आपका सी पार्ट में 50 परसेंट फिफ्टी परसेंट संख्या नहीं मात्रा बता रहा है हम कहते हैं ना पचास प्रतिशत ठीक है सो पचास प्रतिशत संख्या नहीं मात्रा बता रहा है और इसीलिए हम यहाँ पे कहेंगे एज मच एज फिफ्टी परसेंट एज मच एज फिफ्टी परसेंट चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन राम इज एज गुड If not better than they. Ram is not is as good if not better than they. Bohot Ache. The error is in the A part. Students remember comparison ke liye up as adjective. एज यूज करते हैं और इससे हम समानता बताते हैं जैसे मैंने कहा आई एम एज गुड एज यू मैं उतनी अच्छी हूं जितने की आप सो एज गुड एज और यहाँ पे हम पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज करते हैं तो यहाँ पे तो पॉजिटिव डिग्री है लेकिन ये कंपेरिजन पूरा नहीं हुआ है यहाँ पे ये यह दूसरा वाला जो एज था ये मिसिंग था राम इज एज गुड एज इफ नॉट दैन के पहले तो हम कंपेरिटिव डिग्री यूज करते हैं ये यह यहाँ पे है ठीक है ये वाला जो तुलना आ, हम जब बराबरी बताते हैं है ना तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है ये पूरा नहीं हुआ है सो द एरर इज इन द ए पार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन द सर्क्यूलेशन ऑफ द स्टेट्समैन अब द स्टेट्समैन न्यूज़पेपर का नाम है द सर्क्यूलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी न्यूज़पेपर। The द सर्क्यूलेशन ऑफ द स्टेट्समैन इज ग्रेटर न्यूज पेपर बहुत अच्छे error is in the C part. Improvement हम लिखेंगे Any other, ma'am, कैसे पहचाने ध्यान रहे अगर यहाँ भी न्यूज है यहाँ भी न्यूज है तो यहाँ पे अदर लगा देना जब सेम कैटेगरी दोनों जगह होगा कंपेरिजन में तो अदर लगा देंगे अगर यहाँ पे सेम कैटेगरी नहीं है मतलब यहाँ पे तो न्यूज है लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पे बुक लिख दिया अगर मैंने यहाँ पे बुक लिख दिया तो अदर लिखने की आवश्यकता नहीं होगी खैर यहाँ पे तो न्यूज़पेपर ही है और न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर का कंपैरिजन हो रहा है तो एनी अदर लिख देंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल बाई द बुक वेन द रिवाइज एडिशन विल कम I will buy the book when the revised edition, revise edition will come. Okay, I will buy the book when. जब मैं बुक खरीदूंगा जब रिवाइज करना हम कहते हैं ना कि एग्जाम के पहले हमें सब इंपॉर्टेंट रिवाइज करने हैं मतलब दोबारा से से उन पर से नजर फेरना है 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 अब रिवाइज रिवाइज क्या है क्या वर्ब वर्ब लेकिन बच्चों जब हम वर्ब को किसी नाउन के पहले लिखते हैं उसकी विशेषता बताने के लिए तो वो या तो V3 या तो V1 वन प्लस आई फॉर्म में होगा V3 या फिर V1 वन प्लस आई फॉर्म में होगा अगर एक्शन कंप्लीटेड दिखाता है

ध्यान रहे कावर्ड एक नाउन है कावर्ड एक नाउन है और अगर आप नाउन में एलवाई एड करते हैं तो यह बन जाता है एडजेटिव ये बन जाता है एडजेटिव कैसे नहीं लड़ना है फाइट की विशेषता बताने के लिए तो हमें एडवर्ब की आवश्यकता है तो हम यहां पे कहेंगे इन अ कावर्डली मैनर इन अ कावर्डली मैनर क्योंकि हमें यहां पर एक एडवर्ब की जरूरत है एडवर्ब की जरूरत क्यों है क्योंकि हम विशेषता बता रहे हैं वर्ब की अगर हम सोल्जर की विशेषता बताते यानी कि अगर हम कहते हैं अ सोल्जर इज नॉट अगर हम सोल्जर की विशेषता बताते अ सोल्जर इज नॉट कावर्डली सोल्जर यानी कि सिपाही आपका डरपोक नहीं होता है कायर नहीं होता है है ना तब यहां पे आप कावर्डली लिख सकते हैं

Any other fruit of this world. शाबाश the error is in the B part. जितने भी बच्चों ने B mark किया है बिल्कुल सही बहुत बढ़िया The error is in the B part. आप बोलेंगे मैम कैसे बेटा कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको हम कहते हैं फाइव सेंस ऑर्गन वाले वर्ब्स जैसे कि स्मेल टेस्ट साउंड स्मेल टेस्ट साउंड फील लुक है ना तो ये जो है आपके फाइव सेंस ऑर्गन ये आइज से आप देखते हैं नोज से स्मेल करते हैं टंग से टेस्ट करते हैं ईयर्स से हम साउंड सुनते हैं और स्किन से हम फील करते हैं है ना सो so ये फाइव सेंस ऑर्गन वाले वर्ब्स के तुरंत बाद हम हमेशा एजटिव लिखते हैं और इसीलिए हम लिखेंगे मैंगोज टेस्ट मैंगोज टेस्ट पहली बात तो आप पे मोर हटा के स्वीटर लिखेंगे मैंगोस टेस्ट स्वीटर हमारे पास यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री है ना सो so, हम लिखेंगे मैंगोस टेस्ट स्वीटर फ्रूट ऑफ दिस वर्ल्ड सो द एरर इज इन द बी पार्ट अब फटाफट से अपने कमेंट्स को सॉरी अपने स्कोर को कमेंट बॉक्स में फटाफट से मुझे बताएं मैं सबके स्कोर चेक करूंगी और ये सेशन कैसा लगा इस सेशन में आपने कितने नए कॉन्सेप्ट सीखे फटाफट से मुझे बताएं मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए पढ़ते रहे बढ़ते रहे मस्त रहे स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें जय हिंद एवरीवन